हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिनमें हम सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र और स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी जरूर बताएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में निम्नलिखित को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। फ्रेंड्स, 3 सेकेंड में आप सही आंसर चुन लीजिए, उसके बाद सही आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो जो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, वे थे 8 महान कवि, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे और वे क्या थे, वे 8 महामंत्री थे। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ बात हो रही है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय तुलुप वंश के महान शासक थे। कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक है अमुक्त मल्याद। तेनालीरामन कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह इत्यादि उपाधि प्रदान किया गया था। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो फ्रेंड ये है हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को कहते हैं, तो फ्रेंड ये कहा जाता है जीरोफाइट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन। ध्यान रखिएगा, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा विटामिन के। और फ्रेंड ये जो फाइब्रिनोजन है, इसका उत्पादन यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए हैवर प्रक्रिया के द्वारा। याद रखिएगा, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण होता है। छठा प्रश्न है, भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। याद रखिएगा, कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है और केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। 7 नंबर है, भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। 8 नंबर है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूट में विखंडन कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवाड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया, किस लिए किया था आपको बताना है, तो फ्रेंड्स ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इस पंचायत के तहत दलित को हिंदू से अलग करके उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। इसी कारण से गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया और इस अनशन की अंत हुआ पूना समझौता से। ध्यान रखिएगा, पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में। 10 नंबर है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डॉट से कम होता है, खाली स्थान है आपको बताना है, तो फ्रेंड ये होता है 5.5 से कम होने पर। और शरीर का जो पीएच परास है, यानी मानव शरीर का जो पीएच परास है वो कितना है, 7 से लेके 7.8 तक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 11 नंबर है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो फ्रेंड कौन सी गैस निकलती है, ये निकलती है क्लोरीन गैस। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा।
12 नंबर है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एटीपी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये है पनामा नहर, ध्यान रखिएगा। और ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 ईस्वी में। मिस्र के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 14 नंबर है भारतीय संविधान का दूसरा संशोधन किस साल में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1952 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और पहला संशोधन कब हुआ था, तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, केरल करता है। और मसालों का उत्पादन भी केरल ही करता है और इलायची का उत्पादन भी केरल ही करता है। 16 नंबर है हाइड्रा प्रजनन करता है। तो फ्रेंड हाइड्रा जो है ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, याद रखिएगा। हाइड्रा और ईस्ट ये मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं जबकि अमीबा और प्रोटोजोआ विखंडन के द्वारा प्रजनन करते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड ये है ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 19 नंबर है दास प्रथा का उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, आपको बताना है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो फ्रेंड ये किया था एलन ब्रो ने, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था और कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था, तो आप इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स बिहार पुलिस का हम लोगों ने करीब 35 वीडियोस को कवर कर लिया, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 2 दिन समय और शेष रह गए हैं। 19 नंबर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो फ्रेंड ये थी एनी बेसेंट। अगर प्रश्न को इस रूप में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 20 नंबर है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो फ्रेंड ये होते हैं भारत के वित्त मंत्री, याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो फ्रेंड ये है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है और अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, आपको इसमें से पहचानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ध्यान रखिएगा भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है उसको मानक समय माना जाता है, याद रखना 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री। 23 नंबर है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है राज्य का राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। तो ये की गई है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो फ्रेंड ये है बिहार के मुंगेर में, ध्यान रखिएगा कहाँ है, मुंगेर में है। बिहार स्पेशल वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल का 2 वीडियो है, एक में जीके का प्रश्न है और दूसरे में भूगोल का प्रश्न है जिसमें वन्य जीव अभयारण्य बांध पक्षी विहार इत्यादि हमने टॉपिक्स को उसमें कवर किया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।
बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है और प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? तो फ्रेंड ये करता है बिक्री कर, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। 28 नंबर है, कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, युगलिना। 29 नंबर देखिए, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है? तो फ्रेंड्स ये किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। और ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकलने वाले दूध से प्राप्त किया जाता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है उसको, लेटेक्स कहा जाता है। 30 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? फ्रेंड्स अभी हमने इस प्रश्न को किया है, ये दूसरे तरीके से रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। 31 नंबर है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी जलवाष्प, मीथेन और ओजोन, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो फ्रेंड मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है कौन सी, न्यूरॉन, याद रखिएगा। ये जो फीमर है ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, और ये ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मांसपेशी है, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 34 नंबर है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए हल करते हैं इसका। देखिए 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है, 1/f, ये फोकस दूरी है मीटर में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो यहाँ आप सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 100/f, ठीक है फ्रेंड। इधर d है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, d इंटू 100। अब देखिए d कितना गिवन है, 2.5 है, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 100, माफ़ कीजिएगा यहाँ कुछ गलत, यहाँ देखिए ये f इधर आएगा तो d नीचे आएगा, 100/d हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर से करता हूँ, देखिए 100/f हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया, अब देखिए f को इधर भेजिए और d नीचे आएगा, हमें फोकस दूरी निकालना है, तो 100/d हो जाएगा। d की वैल्यू देखिए कितना है, d की वैल्यू है 2.5, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट हटाइए, ऊपर जाएगा तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है, 40 टाइम में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर। 35 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। 36 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए? तो फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 37 नंबर है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था ली गई है, तो आप ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। 38 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था?
तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये था सिकंदर का सेनापति, याद रखिएगा, सिकंदर का सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। और फ्रेंड्स, ये जो मिनांडर है, इसको ये भी कौन था? ये भी एक विदेशी शासक था, और इसको भी पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, याद रखिएगा, इसको किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। और मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा नागार्जुन से ली थी। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है, तो फ्रेंड ये होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। 41 नंबर है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक गणतंत्र भारत का और दूसरा स्वतंत्र भारत का। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पूछा जाए, तो ये किया था सनमुखम सेट्ठी ने, यानी ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। और फ्रेंड, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को जाता है। 42 नंबर है, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। और याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत में, इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 43 है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिंदा पीर भी कहा जाता है औरंगजेब को, याद रखिएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रेंड, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस का? तो ये इसमें किया था महात्मा गांधी ने। ध्यान दीजिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। देखिए, 30, 31, 32, आप ऐसे रिलेट करके याद रखिए, सीरियल वाइज हैं, 30, 31, 32। 45 नंबर है, बौद्ध धर्म के संबंध में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, ये कहा जाता है स्तूप, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर, याद रखिएगा, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य भी पूछे जाते हैं, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन में ये तीन नाम दे दिए जाएंगे और चौथा नाम बदल दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य है भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित नहीं होता है। 47 नंबर है, डीएनए की खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड, डीएनए की खोजकर्ता हैं वाटसन और क्रिक, और आरएनए के खोजकर्ता हैं वाटसन और अर्थरवर्ग, यानी ऑप्शन ए में जो देख रहे हैं, इन्होंने आरएनए की खोज किया था। निम्न में से कौन एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो फ्रेंड, ये टिटनस जो है ये विषाणु से नहीं होता है, ये होता है जीवाणु से, और टिटनस को लॉक जॉ कहा जाता है। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो फ्रेंड, ये किस कौन सा है? ये है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी में त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड, त्रिक सिद्धांत दिया था डोवरेनर ने, याद रखिएगा। और अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ कहाँ के थे? रसिया के थे। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो ये किया था मोसले ने, और मोसले कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको कि पीडीएफ कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आज रात को या कल सुबह तक सारे पीडीएफ आपको, जितने भी पीडीएफ हैं, सब आपको मिल जाएंगे। 51 नंबर है, किस पोषक तत्व का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं में नहीं होता है? बताना है इसमें से कौन सा पोषक पदार्थ है जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये है प्रोटीन, ऑप्शन, माफ कीजिएगा, विटामिन, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड, ये करवाया था अशोक ने, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में देकर जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपना मार्क्स भी बताइएगा कि आप इन 52-53 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया है।
फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।